जो मायने हैं, जो डायरेक्शंस हैं, अगर इस खबर के डायल्यूशन को देखेंगे, समझेंगे, तो बड़ी अलग अलग दिशाओं तक जाती हुई दिख रही है। सरधना की खबर जरूर है ये, लेकिन ये पूरे जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, 11 जिलों में जो 58 विधानसभा सीटें हैं, हर जगह ये प्रभाव डालेगी, क्योंकि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां इसको वायरल किया जाएगा, वहां वहां इन वीडियोस को भेजा जाएगा खबरों के तरीके से कि देखिए, और इस पर डायरेक्ट मैसेज देने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी का, मतलब बीजेपी का यहां पर कहना यह कि सरकार के जो लोग हैं, और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी घुसेड़ा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था से जो जुड़े जो लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, और जो लोग विपक्ष को यहां पर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, ये एक नैरेटिव बन सकता है। बिल्कुल काव्येंद्र, उम्मीद भी यही जनता करती है, क्योंकि 5 साल हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये कहती है कि हमने सुशासन दिया है, कुशासन को पूरी तरह से हमने दरकिनार कर दिया। उसके बाद संगीत सोम बीजेपी का बड़ा चेहरा, विवादों से तो हमेशा से नाता रहा है, लेकिन हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम दलितों को और पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। मतदान हर किसी का अधिकार है, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे वो दलित हो, हर किसी का अधिकार है। लेकिन संगीत सोम के गुर्गे एक दलित पर इतना अत्याचार करते हैं कि उसे लहूलुहान कर दिया गया है, सिर्फ उसे मना किया गया कि आप वोट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, सवाल ये है। सवाल सरकार से भी है कि आखिर जब आप नारा देते हैं तो फिर आप अब कहां हैं? प्रतिक्रिया यहां पर क्यों संगीत सोम नहीं दे रहे हैं? आरोप उन पर बहुत गंभीर लग रहा है। अभी क्यों चुप बैठे हैं? क्या सिर्फ ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है या कुछ और वजह हो सकती है, या वाकई दलितों पर अत्याचार अब भी है? बिल्कुल काजोल, हम जब सबसे पहले अपने संवाददाता से बात कर रहे थे तो ये चीज का जिक्र जरूर मैंने किया कि संगीत सोम की वजह तरफ से अभी तक क्या कमेंट आया है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर संगीत सोम का इसमें कहीं नाम नहीं है, अगर वो जानते हैं कि उनके द्वारा ये नहीं कराया गया है, उनके लोगों के द्वारा ये नहीं कराया गया है, तो इस चीज को अभी तुरंत आकर उनको इस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन उनका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया। लेकिन हम लोग भी और न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी रुकने वाला नहीं है। जो भी लोग इस तरीके की जिन चीजों पर अभी लगे हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को रोकना या उनके साथ मारपीट करना, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि अगर आप इलेक्शन करने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को रोकते हैं, किसी भी तरीके से वायलेंस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी तौर पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और ऐसे लोगों पर जो सबसे बड़ी धारा लग सकती है आईपीसी की, वो लगाकर इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी है। लेकिन इससे पहले हम तस्वीरों की ओर चलेंगे, जरा तस्वीरों की ओर रुख कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इलेक्शन मोड पर बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि हमारे साथ इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, दो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। तो दो राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़े हैं, जय दीक्षित और निरंजन पोदार। ये दो राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहला चरण है, इससे तस्वीर आगे वाले भविष्य की, इन 5 सालों की, कितनी साफ होती हुई काव्येंद्र नजर आती है। तो उससे पहले कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिये, यूपी का रण फिलहाल चल रहा है और पहला चरण है 11 जिले और 58 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है, 623 प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। इसी बीच अभी हमने एक खबर ब्रेक करी जो कि बहुत ही गंभीर थी, और आपने अभी कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, वाकई लोकतंत्र के लिए खतरा है, जहां पर एक दलित को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वाकई आप क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ है? फिर विकास आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि विकास हुआ है? जब आपकी सोच में विकास नहीं हुआ है तो आप हाईवे बना लीजिए या फिर एक्सप्रेसवे बना लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें सोच बदलनी जरूरत है, सोच जब बदलेगी, जब इस तरह की तस्वीरें हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल, इस तरीके की घटनाएं जो है वो दरअसल परेशान करती हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान राजनीतिक विश्लेषक जय दीक्षित साहब और निरंजन पोदार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। जय दीक्षित साहब और निरंजन पोदार साहब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि जिस वजह से ये जो वायरस है, ये जो वायलेंस का वायरस है, ये कभी भी चुनावों को सुबह से लेकर शाम तक, पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक, ये निरंतर शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत क्यों नहीं चलने दे रहा? कमी कहाँ है, खामियां कहाँ है? हम वक्त के साथ बदले हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी उतनी सुचारू रूप से काम क्यों नहीं कर पा रही है कि ये जो गुंडा एलिमेंट इनको कहा जाता है, ये गुंडा एलिमेंट आज भी कैसे चुनावी प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित कर पाते हैं, कैसे ये लोग वोट देने के अधिकार से लोगों को वंचित कर पाते हैं, ये गुंडा एलिमेंट आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे आज भी परेशान करने की स्थिति में बने हुए हैं? इस पर सीधे चर्चा करेंगे हमारे साथ जय दीक्षित साहब और निरंजन पोदार साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। सीधे सबसे पहले मैं जाऊंगा जय दीक्षित साहब के पास। जय दीक्षित साहब, सुबह से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक था, शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत काम हो रहा था, सब ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यह खबर हमने ब्रेक की है मेरठ के सरधना से, वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दलित वोट देने जा रहे थे, रास्ते में विधायक संगीत सोम के गुर्गों ने उनको रोका
उनके साथ मारपीट की गई और ज्यादा हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान किया गया है, ज्यादा मारपीट की गई है, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको। तो ये जो तस्वीरें आज के समय में भी अगर किसी का राइट है, राइट टू वोट है, उसको आज भी वंचित कर पाते, ये गुंडा एलिमेंट आज भी कैसे प्रभावी है, जबकि इतनी ज्यादा बदलाव किए गए हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, इतने बदलाव हैं प्रशासन में, इतने बदलाव हैं जिला लेवल पर, निर्वाचन अधिकारी से सबको निर्देश है, दिशा निर्देश है कि इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ये होता है, और जय दीक्षित साहब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ये इसलिए और मैं कह रहा हूं क्योंकि ये महज सरधना की बात नहीं है, अब सरधना से अगर ये खबर जेवर तक पहुंचती है, नोएडा तक पहुंचती है, या बाकी तमाम 11 जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं 58 विधानसभा सीटों पर, वहां पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि सरकार, निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमला, ये तीनों चीजें विपक्ष को वोट देने से रोक रही हैं, और अगर ये मैसेज जाता है तो इसका जो अंजाम है वो काफी वायलेंट हो सकता है। जी सर। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। काजोल जी, कविन जी, जी एक बहुत पुराना इतिहास रहा है खास करके लोकतांत्रिक परिवेश में, लोकतंत्र का पर्व आज उत्तर प्रदेश मना रहा है, प्रथम चरण का चुनाव है, और इस तरीके का एक मैसेज एक 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 प्रतिबंधित क्षेत्र से आ जाना, एक क्षेत्र विशेष से आ जाना, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परिवेश में जो वहां के चुनाव अधिकारी है, वहां का जो प्रशासनिक अमला है, इस पे तो सवाल खड़ा करते हैं। और किसी भी व्यक्ति विशेष को देख के ये अंदाजा लगा लेना कि ये वर्ग विशेष का रूप है, इसको नहीं जाने देना है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार को रोकने की बहुत बड़ी कोशिश है, और एक बड़ा संदेश है जो एक नकारात्मक संदेश लेके आएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना पे प्रशासन को पहले और उसकी एलआईयू जो है उसको एक्टिव रहना चाहिए था, प्रशासनिक कमजोरी कहेंगे इसको, प्रशासनिक जो तैयारियां थी उसमें एक छोटी सी जो कमजोरी हुई है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के जाता है, जबकि पूरा प्रदेश ये जानता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं प्रभावित है गुंडागर्दी से, इस तरीके के मारपीट और छोटे मोटे घटनों से, तो प्रशासन को एक्स्ट्रा एक्टिव रहना चाहिए था आज के दिन। अगर इस तरीके का अगर कोई कृत्य किया गया है तो देखिए आरोप तो प्रशासनिक लगना तय है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चुनावी दौर में चलता है, लेकिन इस तरीके का संदेश आना परिवेश में खतरा है। जी बिल्कुल, और ये नुकसान दे जी बिल्कुल। निरंजन पोदार सर से एक रिमार्क ले लेंगे, उसके बाद हम सीधे पॉलिटिकल पूरा पॉलिटिकल एंगल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले निरंजन पोदार साहब ये घटना इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए कविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ज्यादा लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार ज्यादा पवित्र होती है और कम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कम पवित्र होती है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। देखिए काविंद्र, ऐसा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहता हूं कि निंदनीय है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर चाहे कोई व्यक्ति दलित हो, चाहे कोई शोषित हो, चाहे कोई पीड़ित हो, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई मजबूत हो, प्रत्येक व्यक्ति को इस संविधान ने अपना मत देने का अधिकार दिया है, और उसके उसके इस अधिकार के ऊपर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, किसी भी जात से जुड़ा हो, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अगर वो ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसको निश्चित रूप से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसको एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि औरों को इस चीज के लिए थोड़ा सा एक मन में भय रहे कि भाई अगर हम भी ऐसे किसी के अगर मताधिकार के ऊपर अतिक्रमण करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। किंतु ये हमने कविंद्र, इसके अंदर एक चीज और देखी है, हमने जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब से ये मान लीजिए चुनावी राजनीति स्टार्ट हुई, लोकतंत्र के अंदर जो ये मताधिकार का प्रयोग शुरू हुआ, आपने देखा होगा सन 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसके बाद से लगातार इस चीज में निरंतर सुधार होता जा रहा है। हालांकि अभी कुछ छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं, हर प्रदेश में होती हैं, हर चुनाव में होती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जब निकाय चुनाव थे उस टाइम भी कितनी मतलब कितनी जगह पे इस तरह की वारदात हुई जो निंदनीय नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं ये मान के चलता हूं कि इसके अंदर काफी सुधार है और प्रशासन को और चुनाव आयोग को और ज्यादा सक्रिय होकर के इस महापर्व को संपन्न करवाना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है।
चलिए ठीक है पोदार साहब, अब आते हैं 11 जिलों की 58 उन सीटों पर जिस पे आज वोट पड़ रहे हैं। देखिए 3:30 बज रहे हैं, अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो गई है, 40% तक मतदान जो है वो हर सीट पर हो चुका है, लगभग 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है। आज के इस चरण से बाकी चरणों को किस तरह से हम नाप तोल सकते हैं? देखिए काजोल जी, ऐसा है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 2017 में भी देखा होगा, 2012 में भी देखा होगा और उससे पहले 2008 में भी देखा होगा, जो भी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इसको उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश को गेटवे कहा जाता है, लखनऊ का गेटवे कहा जाता है, कि जो भी पार्टी यहां पे बढ़त बनाती है वो कदाचित लखनऊ के ऊपर वहां पे उसकी ताजपोशी होती है, लखनऊ में उसको सत्तासीन होती है वो पार्टी। और लगभग हर एक चुनाव के अंदर हमने देखा है कि जो प्रथम चरण के, प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज शाम को जहां, जब यहां पे ये वोटिंग खत्म होगी और उसके बाद में लगभग एक अंदाजा निकालते हैं, आप जो मीडिया कर्मी, मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी अपना एक एग्जिट पोल बनाते हैं और जो भी प्रतिभागी हैं चुनाव के अंदर वो भी और राजनीतिक पार्टियां भी, सभी लोग अपना एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि चुनाव किस तरफ गया है। और इस निष्कर्ष के आधार पे यही ट्रेंड जो है आगे के चुनावों को प्रभावित करते हुए चला जाएगा। दूसरे चरण के अंदर इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और तीसरे चरण के अंदर दो चरणों का इफेक्ट होगा और उसी तरीके से आगे इस चीज का एक, समझ लीजिए, एक मौसम बनता चला जाता है, चुनावी मौसम, मेरा ऐसा मानना है। पोदार साहब, 300 प्लस का जादुई आंकड़ा, बीजेपी कहती है कि इस बार 300 प्लस का जो आंकड़ा है आराम से बीजेपी पार कर लेगी, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये कितना इसमें पूरी तरह से अपना योगदान देगा इन 300 सीटों में? देखिए काजल, अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जो 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछली बार 2017 के अंदर बीजेपी ने यहां से 53 सीटें हासिल करके एक तरीके से यूं कहें कि क्लीन स्वीप किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पे आधी से ज्यादा सीटें हैं जो बिल्कुल फंसी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें चाहे अपोजिशन के लिए कहें। लगभग इस बार 90%, ये 58 में से 90% सीटें ऐसी हैं, 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पे टक्कर बराबर की है, कड़ा मुकाबला है। और कई जगह तो हमने, आप ये देखेंगे कि 15-20 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे आज भी त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होता है बनिस्पत आमने सामने की टक्कर के, क्योंकि आप इस चीज का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं कि जब आमने सामने की टक्कर होती है तो एंटी बीजेपी जो भी पार्टी होती है, यानी कि बीजेपी के सामने जैसे इस बार सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की है, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी कि गिनती 20 से शुरू होगी और बीजेपी को 1 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा सा इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाकी अब आने वाली 10 मार्च बताएगी कि भाई कौन सी पार्टी ने किस तरीके से और कहां पे 10 मार्च जो है ज्यादा योग्य समझा। जी बिल्कुल, 10 मार्च जो है वही साफ तस्वीरें हमारे सामने रख पाएगी, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि ब्लर। अभी तस्वीरें कुछ ब्लर हैं लेकिन 10 मार्च के बाद बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में जय दीक्षित साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा कि अभी पोदार साहब कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला और पश्चिम की अगर मैं बात करूं और त्रिकोणीय मुकाबला शब्द का अगर जिक्र करूं और बसपा को इसमें ले आऊं, तो बसपा जीते ना जीते लेकिन किसी को हराने का मादा आज भी रखती है। जय दीक्षित साहब, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। जय दीक्षित साहब, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं पश्चिमांचल की बात करूं तो यहां पर बसपा जो है, देखिए बीजेपी और सपा के बीच फाइट है, हर कोई जानता है, चौथी कक्षा का बच्चा भी जानता है कि सपा और बीजेपी के बीच फाइट है। लेकिन अगर बसपा को हम इसमें लेकर आते हैं इस बहस पे, तो बसपा जीते ना जीते लेकिन किसी को हराने का मादा जरूर रखती है। और अगर अलग एंगल से हम बात करें तो कांग्रेस भी इस बार आई है, आम आदमी पार्टी के छुटपुट ही सही लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने पहली जो गेंद है वो फेंकी है, देखा है कि गेंद जाती है इधर उधर या पूरी व्हाइट बॉल जाती है इधर उधर, तो उन्होंने भी कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की है, कांग्रेस की भी कोशिश और बाकी छोटे छोटे घटक दल भी काफी सारे हैं।
निर्दलीय भी एक आधा है, और वो भी हैं जो नाराज हो गए हैं, जो रूठ जाते हैं चुनाव के वक्त, चुनावी मौसम में जो रूठे हुए हैं वो भी हैं। तो ये लोग जो है ये क्या पके पकाए दूध में जामुन डालने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? कविता जी, मैं ऐसे बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रथम चरण के चुनाव में इसमें अधिकांश सीट जो है सिटिंग विधायकों की विनिंग कर दी तो आप इस नजरिए से देखें तो 2017 का जो चुनाव था और 2022 का जो आज चुनाव हो रहा है इसमें एक पार्ट एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके ऊपर जो पार्टी ने 5 साल में काम किया है वो विकास का एक मुद्दा हावी है और जिसको लेके जनता थोड़ी सी खासकर शहरी क्षेत्र और अर्बन और जो रूरल क्षेत्र की मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन क्षेत्र की जो जनता है वो डेवलपमेंट को उनके टीवी स्क्रीन पे देख के आप लोगों की न्यूज को देख के अपना एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेती है और जो विकास को लेकर डेवलपमेंट वोट करती है। 58 सीटों का आज चुनाव हो रहा है जिसको मैं अभी हमारे बंधु जिन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बताया है, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही, अपनी एग्जिस्टेंस इसलिए शो कर रही है जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का तबका मिल जाए। वो तो सिर्फ ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रही है। मैं दूसरे एंगल से अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी देखिए कल एक मायावती ने लोनी विधानसभा में गाजियाबाद के लोनी विधानसभा वहां उन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता बसपा को बसपा के जो लोग हैं जहां जीत रहे हैं वहां अच्छे से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं अगर हमें सपा को हराना है तो उनका टारगेट बड़ा साफ है कि सपा के विरुद्ध वोट करना है चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देना पड़े। तो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट होती है कि पहला ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे MIM का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सपा को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका ट्रायंगल जो दूसरा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है क्योंकि जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम भी वोटर है वो एंटी बीजेपी चलता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होता है या जो प्रतिबंधी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी तकलीफ दे रहा होता है वहां पे वो मुस्लिम वोट करता है। एक ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट हो चुका है लोगों के मन में। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, इस एंगल से मैं देखता हूँ तो MIM एक अच्छा वोट काट रहा है, मुसलमानों का वोट प्रतिशत बांट रहा है जिससे सीधा नुकसान सपा को हो रही है। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशत वोट काट रही है जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, नुकसान यहाँ पे जो सपा है सपा को हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिये जय दीक्षित साहब, क्या है कि बीजेपी के लिए चीजें काफी आसान है, अगर मैं आपको हम सही से बात कर पाए, बीजेपी के लिए चीजें इसलिए आसान है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है उनको जो सूट करती है वो डायरेक्ट बोल लेते हैं, सबको पता ही, आपको भी पता है अंदर से, मुझे भी पता है, सबको पता है कि उनका जो मेन जो पॉलिटिक्स है उनकी ये है कि हिंदुत्व के नाम पर सब एक हो जाएं और हिंदू वोट उनको मिल जाए, उनको मतलब नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट मुस्लिम वोटर्स, वो कहते हैं लेकिन वहां की महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं किसी तरीके से उनके पक्ष में आ जाएं, लेकिन ये स्पष्ट है उनका, ये पॉलिटिक्स उनकी बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहिए, हिंदू वोटर चाहिए। लेकिन बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनके लिए कमोबेश बहुत मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए, उन्हें फलाना वोट भी चाहिए, उन्हें यादव वोट भी चाहिए, जाट वोट भी चाहिए। अब अगर वो जाट वोट पर सीधे वो बातचीत करना चाहेंगे, टीका टिप्पणी कॉमेंट करना चाहेंगे, स्पीच में कुछ भाषणों में कुछ बोलना चाहेंगे तो ये मुश्किल भी हो जाती है कि मुसलमान वोट नाराज ना हो जाए। अब मैं एक छोटी सी बात से बताता हूं आपको, जय दीक्षित साहब, हिजाब वाला मसला चल रहा है, हिजाब वाले मसले पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बोलेंगे और बोलने के चक्कर में जो मुजफ्फरनगर का जो वोटर है जो अभी इस स्थिति में है कि कहीं इधर ना चाहे कहीं उधर ना चला जाए, वो बिल्कुल मतलब वो चल रहा है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, वो उनके बीच में दोनों टांगे रख के चल रहा है, दौड़ रहा है, कभी भी कहीं भी गिर सकता है वो। तो बिल्कुल अखिलेश यादव को ये बात पता है कि अगर गलती से भी कमेंट कर दिया और ऐसा उनको लग गया जाट वोटर को कि तो मुसलमानों वाले हैं, कि वो कहते हैं ना कि लाल टोपी सर पर है और जेब में जालीदार टोपी है, तो कहीं ये बात अगर स्पष्ट हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो विपक्ष है उसके लिए समस्या है। अब आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स क्लियर है, वो कहें कुछ भी
मुंह से कुछ भी कहें लेकिन उनकी जेब में जो रुमाल है वो हरा ही है। सबको पता है कि वो जानते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट ही चाहिए, मुस्लिम वोटर को ही टारगेट, तो वो बोल पा रहे हैं, वो हिजाब पर सीधे बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, उन्हें बस वोट काटने हैं, उन्हें मुसलमान वोट लेने हैं और वो सीधे सपा पर हमला करना चाह रहे हैं। इस तरीके हमला को सपा को इससे घाटा होगा, तो यहाँ पॉलिटिक्स का बड़ा फायदा मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लेता हूं जय साहब, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हर जगह को दिल्ली समझती है। अब सरिता विहार, कैलाशपुरी, ये खान मार्केट, अब फरकाबाद में आप जा रहे हो चूड़ी वाली गली, तो वहां का लोग एक जैसे थोड़ी ना है। अब दिल्ली की बिल्कुल परिकल्पना सामाजिक जो है, सोशल जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक परिवार है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, नाम है गोलू, पढ़ता है सेंट मैरी में, मैरीलैंड में, मैगी खा रहा है, पास्ता खा रहा है। और अगर मैं फरखाबाद चला जाऊं, कायमगंज चला जाऊं, अलीगंज चला जाऊं, मैनपुरी चला जाऊं, वहां सोशल लाइफ ये है कि एक घर में 6 लड़के हैं, 2 मुंबई में कमा रहे हैं, 2 दिल्ली में कमा रहे हैं, 2 जेल में है, 1 कचहरी में रहता है, तो सोशल लाइफ बड़ी अलग है। यहां पर वोट अगर आपको लेना है तो मुद्दे भी अलग होने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जितना भी बिजली बिजली करती रहे, लेकिन अगर बीजेपी ने एक बार कह दिया कि बिजली तो मिलेगी लेकिन केरला वाला घर भी मिलेगा, केरला वाली दृष्टि से देखो बिजली मिलेगी, तो नहीं देगा वो वोट। जय दीक्षित साहब, फिर पोदार साहब के पास आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा कविंदर जी क्लियर कर दो, उत्तर प्रदेश की जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज 58 सीटों पे प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा डेवलपमेंट का है। यहाँ पहले आप देखिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली कितना रहती थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट का मुद्दा है। यहाँ जाति के आधारित वोट होता रहा है, लेकिन अब 2007 से थोड़ी सी जो इतिहास चेंज हुई है, ट्रेंड बदला है, लोगों ने विकास को अडॉप्ट करने की कोशिश की है और उनको फायदा भी मिला है। आप देखेंगे कि किसानों को उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट दे रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति। आप देखेंगे कि रास्ता घर घर पहुंच रहा है, तो एक सरकार की जो छोटी छोटी उपलब्धियां है, पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक आ जाता था कि अर्बन एरियाज में स्टेबलिश है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है लेकिन गांव में नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये 2017 से हम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इस छोटा सा तबका जो है इससे इन्होंने अपना काम करना चालू किया, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर गांव गांव तक पसार दिया है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मैं अगर दूसरे एंगल से बात करूं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो एग्जिस्टिंग विधायक थे, जो आपके पास प्रत्याशी हैं, उनको लेके जो दब जनता है वो नाराज है, क्योंकि उन्होंने जिस आशा के अनुरूप जनता ने उनको चुन के लाया था, उस अनुरूप बेचारे वो खड़े नहीं उतरे, तो वो जो 10% बिल्कुल वोट है जी, बिल्कुल वापस लौटते हैं आपके पास, फिर प्रदार साहब के पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, एक बड़ी ब्रेकिंग जो इस बीच हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है। तो काजोल मतदान बता रही है कि कितने प्रतिशत हो चुका है। तो यूपी में पहले चरण में अभी अगर हम देखें तो 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये जो वोटिंग प्रतिशत है अब वो बहुत ज्यादा हो गया है, 1-2% का इजाफा इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अलग अलग जगहों से मैं आपको बताऊंगी, वो जगह इस तरह से है कुछ कि 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेरठ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरठ पर बहुत ज्यादा जो नजर है, सभी चाहे वो राजनीतिक विशेषक हो चाहे वो हम हो, इस पर नजर बनी हुई है। मेरठ में 3 बजे तक 58.21% मतदान हो चुका है और शहर में 50% मतदान हुआ है। इसके अलावा आगरा में 47% मतदान हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में भी 47% मतदान हुआ है, मुजफ्फरनगर में 52% सबसे ज्यादा 52% मतदान जो है मुजफ्फरनगर में देखा जा सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बस अब 2 या 3 घंटे का समय बचा है, स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इसी बीच यूपी में पहले तक 48% मतदान हुआ है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में 50.81% मतदान हुआ है। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में 47.51% मतदान अब तक हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 47.25% मतदान हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 52.17% मतदान हो रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 बजे तक
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों में 58 सीटों पर 48% मोदी तक पहुंची है। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिसकी उम्मीद थी इस बार, क्योंकि लोग विकास पर डेवलपमेंट करेंगे, तो ऐसे में लोग निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। अब तक जो आंकड़ा अभी 48 है, वो आंकड़ा अब तक 60% कम से कम पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। वजह क्या है, ये हम कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञों से जानने की कि आखिर क्यों वोटिंग प्रतिशत इस बार इतना कम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 2.5 घंटे का समय बचा हुआ है। जी बिल्कुल, 10 मार्च के 3 बजे तक आपको बता दें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर जो मतदान हुआ है वो 48% हुआ है। ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब हम सीधे रुख करेंगे